हेलो पर भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और जो आपकी पढ़ाई के जबरदस्त तरीके से आप लोग कर रहे हैं ना प्यारे भाई, आज आपका बहुत ही हैंडसम आपका टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हैंडसम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका देखा सर, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर, चाहे आप SSC का ही पेपर आप उठा के देखेंगे, हर एक एग्ज़ाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आपको देखने के मिल जाते हैं ना। तो प्यारे भाई, आइए शुरू करते हैं आज का क्लास है ना। वैसे देखा जाए हम लोग कहीं जाना है, लेट भी हो रहा है। तो आपके सामने देखिए बना हुआ है शंख ना। अगर यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, क्या उस आपका होता है वो बर्थडे वाली जो हैप्पी बर्थडे वाली जो आपकी टोपी होती है ना, वो आपका एकदम देखा है शंख के आकार की होती है ना। तो समझिए कि यहाँ पे ये आपका जो नीचे वाला जो पार्ट आपका होता है, नीचे वाला पार्ट ये आपका होता है वृत्ताकार होता है ना। ये जो नीचे वाला आपका जो पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट आपका वृत्ताकार होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी क्या होती है, रेडियस आपकी होती है, रेडियस जिसे आप बोलते हैं हिंदी में त्रिज्या कहते हैं ना, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिज्या कहते हैं, जिसे हिंदी में त्रिज्या कहते हैं ना, है कि नहीं? और यह आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर आपकी जो होती है हाइट होती है, परपेंडिकुलर हाइट, या बोलते हैं इसे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ना, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपकी ना। वैसे देखा है सवालों में आपका जो यूज करेगा सवालों में ना, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई नहीं बोलता, हमेशा ऊंचाई ही उस यहाँ पे करता है। और ये आपके क्या होता है यहाँ पे, स्लैंट, स्लैंट आपकी जो होती है हाइट होती है, स्लैंट हाइट जिसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आपकी होती है ना। अच्छा, यहाँ पर जो आपका एंगल बनता है ये आपका 90 डिग्री का बनता है कि नहीं? अगर आपको पता है, अगर ट्रायंगल में आपका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो वहाँ पे जो आपका त्रिभुज होता है क्या होता है, समकोण आपका त्रिभुज बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल ना, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ तक तो हो गया आपका। यहाँ पे आप क्या है, अगर यह 90 डिग्री का एंगल बन रहा, तो यहाँ पे आपका जो होता है क्या आता है, रिलेशन जो आता है इसके सामने जो होता है क्या, 90 डिग्री के सामने जो होता है आपका कर्ण होता है, कर्ण कितना आपका एल स्क्वायर ना, एल स्क्वायर आधार का वर्ग प्लस कितना, प्लस आपका जो होता क्या लंब का वर्ग ना, आधार कितना आपका आर स्क्वायर है, ये जो लंब आपका कितना यहाँ पे है एच स्क्वायर ना। तो ये आपका जो आता है रिजल्ट आता है, इस सवालों में आपका यूज होगा, ठीक है। इसका लेंगे वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का, तो आपका कितना आ जाएगा, एल इक्वल टू आएगा रूट में एच स्क्वायर प्लस आपका आर स्क्वायर आ जाएगा ना। सवालों में इसका यूज होगा, याद रखिएगा इसको ना। अच्छा, अब यहाँ देखिए जो आपका होता है आयतन क्या होता है, आपका वक्र पृष्ठ, आपका जो क्षेत्रफल क्या होता है, आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है 1/3 πr² h होता है, कर्ण सरफेस एरिया क्या होता है πr² l होता है, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr ब्रैकेट में l प्लस r होता है। ये कहाँ से आता है उससे बहुत हमको जानकारी नहीं ना, हमको बस फॉर्मूले से मतलब है। वैसे देखा सर, आपका यह जो होता है ना शंख, जो आपका वॉल्यूम होता है, जो होता है आपका बेलन का जो आपका वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है ना, जिसे आप समझिएगा, ये जो आपका होता है, ये आपका जो होता है बेलन ना, जो आपका होता है बेलन जो होता है इसका 1/3 होता है कि नहीं? आपका यह एक पार्ट, यह आपका एक पार्ट, और यह आपका पेट ना पार्ट आपका। तो टोटल अगर देखा जाए यहाँ पे 3 पार्ट है कि नहीं? टोटल अगर देखा है 3 पार्ट है, उसमें से आपका एक पार्ट क्या है, आपका शंकु ना। अगर इसको आप मिटा देंगे तो कहेंगे आपका ए तो बन रहा है यहाँ पे शंकु, है कि नहीं? तो पूरे का देखा जाए 1/3 होता आपका शंकु होता है बेलन का ना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं आपका, क्या होता है हिंदी में अगर इसको देखा जाए, आपका जो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
और इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलते हैं ना हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं ना। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपके तीन चार ये फार्मूले हैं जो आपके सवालों में यूज होंगे। 1/3 πr² h होता है आपका वॉल्यूम होता है, आपका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का था πr² l होता है, यल आपके क्या है तिरछी ऊंचाई है, स्लेंट आपकी हाइट है, ये आपकी कुल सरफेस एरिया आपका है कि नहीं, πr ब्रेकेट में l प्लस आपका r होता ना, ये आपके सवालों में देखा जाए यूज होंगे पहले में ना। एक चीज देखिए आपको यहाँ बता दें, आपका जो होता है ट्रिपलेट क्या होता है, जो सवालों में देखा जाए काफी आपका हेल्प करेगा, आपका जो सवालों में ज्यादातर आपका जो यूज होंगे ना ज्यादातर 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25 आपका होता है, ये आपके ट्रिपलेट होते हैं जो आपके सवालों में काफी आपके यूज होंगे ना। चले आगे चलते हैं सवालों पे ना, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ये आपके सवालों में देखा जाए काफी हद से ज्यादा यूज होंगे ना, समझिए। तो चल रहे हैं आगे ना, यहाँ देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, सवाल देखिए यहाँ पे, यदि एक संघ की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो संघ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा क्या होगा। 11 का मल्टीपल आपका आएगा क्योंकि आपकी जो त्रिज्या क्या है 7 की मल्टीपल है, अगर 7 की मल्टीपल तो आपका जो आंसर मिलने वाला है 11 का मल्टीपल मिलने वाला है, 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है, ये आपका 11 का मल्टीपल नहीं है ना, तो ये आपका 11 का मल्टीपल ना। आपके यहाँ पे क्या है जो आपके दो आपके जो 11 का मल्टीपल है, अब दो ऑप्शन अब तो फंस चुके, अब क्या करना पड़ेगा आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। आपका जो होता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आपका जो होता है आर होता है ना, यहाँ पर रखिए वैल्यू पाई की जगह कितना रखेंगे 22/7, आर कितना आपका 14 है, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है 30 है ना, 30 + 14 रखेंगे है कि नहीं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तो 22/7 है इंटू में आपका 14 है और इंटू में यहाँ पे कितना आपका 44 आपका ना, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका 7 × 2 = 14, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 16, इकाई का इकाई अंक में यहाँ पे क्या कर रहे हैं गुणा करें ना, जिसका आंसर आपका 6 होगा इकाई अंक है कि नहीं, जिसका इकाई अंक आपका 6 होगा आपका क्या हो जाएगा वह आपका आंसर हो जाएगा ना, ये आपका दिया इकाई अंक 6 दिया आपका क्या हो जाएगा यह आंसर आपका हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे इकाई अंक कितना आपका, मतलब हर एक अपना हर एक चैप्टर आपका देखा सर इकाई अंक कितना आपका रोल, मतलब इसका काफी आपका इम्पोर्टेंट है ना। तो चले आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पे देखिए अगला नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, सवाल यहाँ पर जो दिया है, एक लंब वृत्तीय शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या आपकी 21 सेंटीमीटर है, उसका जो वक्रपृष्ठ आपका दिया था आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा यहाँ आप देख के ध्यान दीजिए, आपसे जो पूछा है आप ना स्लैंट आपकी हाइट पूछा है, स्लैंट हाइट ना आपकी तिर्यक ऊंचाई पूछा है, हिंदी में टाइप नहीं हो पाया हम देखे इंग्लिश को ध्यान से पढ़ेंगे, जो आपसे पूछा है स्लैंट आपकी हाइट पूछा है ऑफ द कोन ना, कोन की स्लैंट हाइट पूछा है, समझिए। यहाँ पे जो होता है आपका कर्व सर्फेस एरिया क्या होता है पाई आर एल होता है ना, कर्व सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल होता है, इसकी वैल्यू कितनी दी है सवालों में आपका 594 दिया है कि नहीं, यहाँ पर रखेंगे वैल्यू पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर कितना है आपका 21 है, एल की वैल्यू आपसे पूछा ना 594 हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 + 3 आपका 21 हो जाएगा, यह आपका 66 है कि नहीं, यह आपका हो जाएगा 66 इंटू में आपका एल हो जाएगा, यह आपका दिया है 594 दिया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और यहाँ पे, यह आपका एल का मान क्या लिया जाए, एल का मान क्या लिया जाए और क्या किया जाए 66 में गुणा किया जाए आपका 594 मिले यहाँ मिले ना,
यहाँ पे इसका जो इकाई अंक यहाँ पे क्या चार है, आप बताइए। अगर एल का मान अगर 15 आप रखेंगे, 15 में जो आपका इकाई अंक क्या आपका आ रहा है, 5। अगर 5 यहाँ पर रख रहे हैं ना, जब गुणा करेंगे ना, 5 6 कितना, 30, जो इकाई अंक आपका मिलेगा 0 मिल जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, 4 चाहिए ना, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पर रखेंगे 11, 11 का मतलब क्या, 1 1 का गुणा 6 में करेंगे आपका 6 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 6 कितना, 36, 6 आपका आंसर, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एल का मान अगर 9 रखेंगे ना, एल का मान अगर आप 9 रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए 9 6 54, तो लास्ट में जो आपका आ कितना रहा, 4 मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा ना, है कि नहीं। 9 6 54 आपका 5 यहाँ से, 9 6 54, 54 में जोड़ेंगे 5 आपका हो जाएगा 69, तो 500 आपका 94 आपका आ जाएगा ना। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अगला सवाल यहाँ पर ना, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया है, तो आपसे पूछो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आपसे पूछा ना। अच्छा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको चाहिए त्रिज्या चाहिए और क्या चाहिए, ऊंचाई आपकी चाहिए ना, त्रिज्या ऊंचाई आपका जो होता है, शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन 1/3 πr² h ना, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपकी, ये आपकी इसकी वैल्यू दी है यहाँ पे, है कि नहीं। अब यहाँ पे जब h का मान रखेंगे, h का मान कितना दिया आपका, 24 दिया ना, h का मान आपका 24 दिया यहाँ पे, ये आपका h का मान आपका 24 है ना, ये आपका पाई से क्या, पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 8 24, यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे 8 4 32, 8 9 आपका 72 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आपकी निकल कितनी गई यहाँ पे, कितनी निकल जाएगी, 49, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 7 आ जाएगी, आर की वैल्यू आपकी 7 आ गई। हाइट कितनी दी है, 24 दी है ना, है कि नहीं, मिटाइए इसको, समझिए। अब कैसे निकालेंगे, एल का मान आपका जो होता है शंकु, है कि नहीं, ये आपकी जो होती है त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी आपके 7 निकली है, ये आपकी ऊंचाई कितनी है आपकी, 24 है, तो बताइए ये जो आपकी लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, 25 आपकी आ जाएगी, 7 24 25। अभी आपने पढ़ा ट्रिपलेट पढ़ा है, यहाँ आप देखिए जो आपने पढ़ा है क्या, जो ट्रिपलेट 7 24 25 ना, है कि नहीं। यहाँ पे जो आपका आ जाएगी वैल्यू आपकी, जो त्रिज्या ऊंचाई आपकी आ जाएगी, एल का जो मान आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा ना। वैसे देखा जाए 5 का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल ये नहीं है, 5 का मल्टीपल आपका ये नहीं है, 25 का मल्टीपल होगा, 25 का मल्टीपल आपका ए भी नहीं है, तो 25 का मल्टीपल आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, है कि नहीं। आपसे पूछा क्या, वक्र पृष्ठ पूछा ना, वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर आपका कितना है, 7 है, पाई आर एल, एल का मान कितना आपका 25 है, तो 25 7 आपका 175 होता है, यह इंटू आपका पाई हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन हो जाएगा ना, 25 7 175 होता है आपका, पाई इंटू हो जाएगा, जो कि आपका दिया था 7, क्या आपका सी ऑप्शन। अगला यहाँ पे सवाल देखिए, एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। बर्तन पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, इस पानी को ऐसे बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है बेलनाकार बर्तन में पानी की गहराई, गहराई मतलब आपसे ऊंचाई पूछा ना, जिसे आपके पास क्या था, एक बर्तन था क्या, शंक्वाकार ना, उसमें जो पानी भरा हुआ था आपने उसको क्या क्या, पानी को निकाल कर बेलनाकार क्या क्या बर्तन में क्या क्या आपने वहाँ पे भरा ना, खाली करके भरा, तो आपसे पूछा उसकी जो गहराई थी कितनी बेलनाकार बर्तन की। तो यहाँ पे जो बताइए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को आप इक्वल करेंगे ना, आयतन को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, जितना आपका पानी शंख में था वही तो आपने पानी क्या किया, आपने बेलनाकार बर्तन में डाला है, जो आपका पानी जो आपका यहाँ पे जितना पानी आपका यहाँ पे घिरा था स्थान, वही तो आपका यहाँ पे घिरेगा, है कि नहीं, आपका जो बेलनाकार बर्तन है, तो आपका वॉल्यूम जो होगा यहाँ पे कांस्टेंट होगा, इक्वल आपका होगा ना। तो यहाँ पे देखिए आपका शंख का जो होता है आयतन 1/3 πr²
आर स्क्वायर, आर कितना है आपका, आर स्क्वायर इंटू में आपका कितना होगा एच, है कि नहीं, इक्वल टू आपका जो बेल का होता है आयतन पाई आर स्क्वायर, आर आपका कितना था यहाँ पे 10, 10 का स्क्वायर इंटू में आपके क्या एच, एच आपसे पूछा है उसकी गहराई ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, ये आपका 3 8 24 पाई से पाई कैंसिल, ये आपका 25 चौका 100, है कि नहीं, 10 का स्क्वायर 100 होगा तो 25 चौका आपका 100 हो जाएगा, है कि नहीं, तो एच का मान कितना आपका आ गया यहाँ पे 8 आ जाएगा, है कि नहीं, एच का जो मान आपका आएगा, गलती कर दिया, ये आपका एच का मान ना आपने जब यहाँ पे सिंप्लीफाई किया आपका 25 चौका आपका आएगा तो 4 दूना आपका 8 आ जाएगा, तो एच की जो वैल्यू आपकी निकल कितनी गई 2 आपकी आ जाएगी, हाइट कितनी निकल गई आपकी 2 आ जाएगी, यहाँ पे देखिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे आप वैल्यूम को इक्वल कर देंगे, आपका जो होता है शंकु का जो आयतन होता है और क्या होता है बेलन का जो आयतन होता है, आपके यहाँ पे दी थी शंकु जो आपकी त्रिज्या कितनी थी 5 थी, हाइट कितनी थी आपकी 24 थी, और यहाँ पे जो आपका शंकु की त्रिज्या कितनी थी 10 थी ना, आपसे हाइट पूछा था गहराई आपसे पूछा था, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी ना, सवाल कुछ नहीं था वैसे SSC GD के पेपर का पूछा हुआ। देखिए अगला यहाँ पे सवाल देखें, एक संघ की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दिया है, इसका वक्र पृष्ठीय आपका क्षेत्रफल दिया, यहाँ से पूछा आपसे त्रिज्या, आप बताइए यहाँ पर जो आपका अनुपात में ये दिया आपका त्रिज्या या आपकी जो तिर्यक ऊंचाई ना L, आपसे पूछा 5 की वैल्यू, आपसे पूछा 5 की वैल्यू, त्रिज्या आपकी क्या है अनुपात में 5 है तो 5 की वैल्यू आपसे पूछा, तो 5 का मल्टीपल आएगा, 5 का मल्टीपल यह नहीं, 5 का मल्टीपल यह नहीं, 5 का मल्टीपल यह नहीं, तो एक ही जो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है 5 का मल्टीपल दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आइए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिया आपका वक्र पृष्ठ दिया ना, वक्र पृष्ठ कितना था पाई आपका आर एल होता ना, पाई आर एल आपका जो होता है वक्र पृष्ठ होता है पाई आर, यहाँ पे इसको मान ले क्या जो आपके ये आर कितना मान ले इसको 5x मान ले और एल कितना मान ले 7x मान लेना, तो पाई आर एल है कि नहीं, एल कितना दिया आपका 7x दिया, इसकी वैल्यू कितना यहाँ पे दिया है ये आपका दिया, इसकी वैल्यू दिया ना, है कि नहीं, तो बताइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आपका का 7 से क्या 7 कैंसिल होगा, है कि नहीं, ये 22 25 110 110 होगा ना, 0 से क्या 0 कैंसिल, 16 करने 16, ये पूरा आपका जो भाग जाएगा 16 12 आपका जाएगा, तो ये आपका x इंटू में x कितना आपका आ जाएगा x स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आपकी आ जाएगी ना, x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 5 इंटू में आपका 4, तो क्या आपका आ जाएगा r की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 20 आपकी आ जाएगी, जो कि आपका 20 क्या था यहाँ पे, यह आपका था बी ऑप्शन ना, तो 5 का मल्टीपल आपका आना ही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर, अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने, तो 11 का मल्टीपल आपका आएगा 8 5 13, 11 का मल्टीपल नहीं है ये आपका 8 6 14, 11 का मल्टीपल नहीं है 8 5 13, 11 का मल्टीपल है कि नहीं, 11 का मल्टीपल के होने के साथ साथ 25 का भी मल्टीपल आएगा, ये 25 का मल्टीपल आपका एक ही ऑप्शन था, 25 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल, तो 5 का जो होता है रूल क्या, लास्ट में या तो 0 मिले या तो 5 मिले, तो 0 आपका एक ही ऑप्शन था 25 का मल्टीपल ना, क्योंकि आपसे पूछा क्या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है पाई आर एल की वैल्यू पूछा था, एल की वैल्यू कितनी दी तिरछी ऊंचाई आपकी 25 दी है, तो 25 का मल्टीपल कन्फर्म है आपका, तो 25 में आपका छुपा 5, तो 5 का जो रूल होता है अगर किसी संख्या को आपको चेक करना कि वह संख्या 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो लास्ट का अंक देखिएगा, लास्ट का अंक 0 या 5 है कि नहीं, तो वह संख्या आपकी 5 से कटेगी, तो यहाँ पे देखिए आपका एक ही ऑप्शन दिया था जो लास्ट का अंक आपका 0 है, तो 25 का मल्टीपल ना,
तो आपका यहाँ पे था एक ही ऑप्शन, बाकी देखिए यहाँ पे तरीका समझिएगा। ये आपका देखिए यहाँ पे जो यूज हो रहा है 24 है, ये आपका क्या है 25 है। तो यहाँ पे आपको नहीं लग रहा कि आपका जो ट्रिपलेट 7 24 25 आपका यूज होगा यहाँ पे, या आपकी ऊंचाई 24 है, आपकी तिरछी ऊंचाई कितनी है आपकी 25 है, तो आपकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी तिरछी, यही तो बनता है आपका है कि नहीं। ये आपकी 24 आपकी ऊंचाई है, ये आपकी 25 क्या है तिरछी ऊंचाई है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी आर, तो 7 24 25 आपका आ जाएगा, तो आपकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या कीजिए आप सॉल्व कीजिए, पाई आर एल, पाई आर, आर कितना है 7, एल कितना आपका था 25 था, इसको क्या करेंगे यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे, 7 से क्या 7 कैंसिल, गुणा करेंगे आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा ना। सवाल यहाँ पे जितने आपने किए लगभग देखा जाए हर एक क्वेश्चन अब तक जितने किए सब के सब 15 से 20 सेकंड के क्वेश्चन थे। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, आपसे पूछा क्या है शंकु का आयतन पूछा है ना, तो आपका जो आएगा 8 का मल्टीपल आपका आएगा 7, 4 का मल्टीपल आएगा 7 24 25, 24 में आपका छुपा है क्या 8 छुपा है 4 छुपा है ना, तो 8 का मल्टीपल या 4 का मल्टीपल चेक कीजिए, ये आपका देखा जा नहीं है, आपका ये हो जाएगा क्या 8 का मल्टीपल होगा। आपने कैसे कैसे आप चेक करेंगे, आपको पता ये जो आपका डाटा दिया है 7 दिया है ये 25 दिया है, तो आप बताइए 7 24 25 आपका जो होता है ट्रिपलेट होता है, तो इसका मतलब कंफर्म है ये आपकी रेडियस, ये आपकी क्या तिरछी ऊंचाई है, तो आपके जो आगे परपेंडिकुलर आपकी हाइट कितनी आ जाएगी 24 आ गई, तो आपको पता है आपसे पूछा आयतन 1/3 πr² h होता है, h की वैल्यू कितना है 24 है, तो 24 का मल्टीपल आपका आएगा, 24 में आपका छुपा है 4, तो 4 का मल्टीपल चेक कीजिए प्यारे भाई 4 का मल्टीपल, लास्ट का 2 अंक आप चेक कीजिए, ये आप बताइए आपका 4 से नहीं कटेगा, लास्ट का देखिए आपका 2 अंक कट रहा है नहीं कट रहा है, इसमें आपका लास्ट का 2 अंक नहीं कट रहा था, ये आपका आंसर पॉसिबल नहीं था, तो आपका एक ही ऑप्शन जो पॉसिबल था आपका सी ऑप्शन पॉसिबल था ना, है कि नहीं। देखिए आपके सेकंडों में कैसे आपके सवाल हो रहे हैं यूँ यहाँ पे लग रहे हैं, ये सब प्रैक्टिस का खेल है बस और कुछ है नहीं ना, जितना आप प्रैक्टिस दबा के करेंगे उतना आपका माइंड डेवलप होगा, सवालों को अलग अलग तरीके से आप करेंगे ना एग्जाम में उतना देखा जाए अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। बाकी देखिए तरीका आपको पता है बताइए दी, ये आपके जो त्रिज्या कितनी 7 है, ये आपके 25 है, यह कितना आपका आ जाएगा 24 आपका आ जाएगा है कि नहीं। तो बताइए आपका जो होता है आयतन 1/3 π r² r कितना है 7 गुणे आपका 7 है इंटू में आपके जो हाइट ये 24 आपके आ जाएगी ना, इसी को सिंप्लीफाई करें 7 से क्या 7 कैंसिल 3 8 24, देखिए आपका 8 का मल्टीपल नहीं आ रहा है 22 इंटू में 7 इंटू में आपका कितना हो जाएगा 8 होगा, गुणा करेंगे 22 7 आपका होता है 154 इंटू में आपका 8 होता है ना, 8 चौक 32, देखिए इकाई क्या आपका 2 ना, 8 चौक 32 15 8 120 कितना होगा 130 आपका हो जाएगा ना, तो जो कि आपका यहाँ पे देखिए सी था ना, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी फिर भी हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा अब यहाँ पे सवाल देखिए आपसे पूछा आयतन, सिंपल सा सवाल है तो है 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल ये नहीं है 9, 11 का मल्टीपल है ये आपका 4, 11 का मल्टीपल नहीं है 8 6 14 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, अब कैसे आपने चेक किया देख रहे हैं सवाल कितना मुश्किल से मुश्किल आपका 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर आपका सब के सब सवाल यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं ना, जबकि लेटेस्ट देखिए आपका जो पेपर हुआ है 2023 में आपको जो SSC GT का पेपर है उसमें सब के सब यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस आपकी रेडियस है क्या 7 के मल्टीपल आपकी है कि नहीं, अगर 7 के मल्टीपल आपकी जो रेडियस है तो कन्फर्म आगे 11 का मल्टीपल आना तय है। बाकी आप सॉल्व कीजिए यहाँ पे क्या होता है शंकु का आयतन 1/3 π r, r कितना है 7 गुणे आपका 7 है
इंटू में आपका हाइट कितना है, आपका 27 है। 7 से 7 क्या खलास हो गया यहाँ पे, ये 3 9 27 है कि नहीं। बाकी गुणा आप किसे 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, 9 का मल्टीपल है कि नहीं, कितना आएगा 22 7 आपका 154 होगा, 9 9 6 54 कितना होगा, 9 4 36 ना, इकाई अंक जिसका 6 होगा। यहाँ पर देखिए इकाई अंक आपका एक ही यहाँ पे दिया 6, जो कि आपका क्या हो सकता है यहाँ पे बी ऑप्शन हो सकता, ठीक है। गुणा आप कर लीजिएगा, जिनको संतुष्टि नहीं होगी अपना आंसर मैच कर सकते हैं। अगला यहाँ पे सवाल देखें, थोड़ा सा आपका ठीक ठाक यहाँ पे सवाल है, थोड़ा सा ही है, ठीक है। सवाल जो यहाँ दिया है, एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन जिसके आधार की त्रिज्या है इतना दिया है और उसकी ऊंचाई इतनी दी है, को पिघलाकर एक लंब वृत्तीय शंख के आकार में ढाला जाता है जिसका आधार आपका इतना दिया है, आधार की त्रिज्या। तो आपसे पूछे शंख की ऊंचाई पूछे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका बेलन का आयतन होगा वो क्या करेंगे, किसके इक्वल होगा, आपका शंख के आयतन के इक्वल कर देंगे। बेलन का जो आयतन पाई आर स्क्वायर, ये आपकी त्रिज्या कितनी 22.5 है, 22.5 को आप लिख सकते हैं क्या 45/2 लिख सकते हैं, 22.5 को लिख सकते हैं 45/2 पाई आर स्क्वायर ना। ये आपका एच, एच कितना दिया, ऊंचाई 24 दिया ना, किसके इक्वल करेंगे, शंख के आयतन के इक्वल कर देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना आपका 36 है, 36 इंटू में आपका 36 ना इंटू में आपका एच हो जाएगा, ठीक। अब इसी को करना है सिंप्लीफाई, आपको करना है क्या करेंगे यहाँ पे, ये क्या होगा ध्यान दीजिएगा, 4 6 24 6 6 36 ये 2 बार है कि नहीं, 9 4 36 9 25 45 सब कुछ तो कैंसिल हो गया ना, है कि नहीं। ये आपका आपका यहाँ पे 4 ना, 4 दुना आपका 8 हुआ, यहाँ पे आपका पाई से क्या पाई अब तो कैंसिल नहीं किया, 45 25 होता है 225 होता है कि नहीं, इक्वल कितना 4 दुना आपका 8 इंटू आपके जो क्या हाइट हो जाएगी, काटेंगे कितना आगा 8 दुना 16 बचा आपका 6, यहाँ पर जाएगा कितना 65, तो 8 था 64 28 दशमलव आपका समथिंग आएगा, वैसे बचा आपका 1 तो 1 दशमलव आपका इतना आ जाएगा, 28 दशमलव आपका यहाँ पे दिया है, 1 2 5 आपका दिया ना, सिंपल सा सवाल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ बस कुछ किया नहीं आपका, यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे V दिया है आपका, H दिया है, बाकी आपसे R का मान पूछा है ना, सिंपल सा ही सवाल है। आपका आयतन दिया है, आयतन क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका होता है आयतन, आयतन कितना आपका दिया है वी दिया, तो आपसे पूछा आर का मान पूछा, त्रिज्या पूछा ना। अब इसका यहाँ पे क्या करेंगे, आर का मान निकाल, अगर आर स्क्वायर का मान निकालेंगे मान लीजिए 3 का यहाँ पे गुणा करेंगे कितना 3V हो जाएगा, ये पाई एच है, पाई एच यहाँ पे गुणे में तो इसको लाएंगे इधर खींच कर क्या हो जाएगा आपका पाई एच हो जाएगा ना, दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा आपका, ये 3V अपान में पाई आपका एच आ जाएगा ना। ये आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन, ये आपका रूट में एक ही ऑप्शन दिया है ना, 3V पाई एच। यहाँ पर देखिए प्यारे भाई, आज के क्लास में जितने क्वेश्चन हमने लिए हैं सब के सब खत्म हो चुके हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सवाल तो देखा जाए काफ़ी हमने सारे क्वेश्चन लिए हैं इस क्लास में, अगली क्लास में, तो बाकी मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ठीक है।